अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रिजवान जमाल और इस वीडियो में हम बात करने चाह रहे हैं कि किस तरीके से आसानी के साथ आप नेटलिफाई को इस्तेमाल करते हुए अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो ये एक सिंपल से एक फोल्डर मैंने ओपन किया है जिसमें मैंने एक डिजिटल ब्लॉग बनाई हुई है। आइए सबसे पहले इसको रन करके आपको लोकल पे दिखाता हूँ। तो ये एप्लीकेशन मेरी रन हो गई है, ये स्टार्ट करता हूँ मैं इसको। डिजिटल क्लॉक मेरी स्टार्ट हो चुकी है, तो इसको स्टॉप भी करके दिखा देता हूँ। ये स्टॉप हो गई। तो आइए सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका दिखाता हूँ जो कि बिल्कुल नहायत ही आसान है और आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को कम्प्लीट डिप्लॉय कर सकते हैं नेटलिफाई पे। इट्स नॉट दैट अमेजिंग, या इट इज। तो ये काम किस तरह करेंगे, हम आते हैं netlify.com पे। लेट मी विजिट netlify.com। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने कोई अकाउंट अपना लॉगिन नहीं करा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले netlify.com के आगे स्लैश लगा के ड्रॉप लिखता हूँ। तो netlify ड्रॉप फीचर के थ्रू मैं सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकता हूँ। ड्रॉप, तो आप देख सकते हैं मैं netlify.com/drop पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मज़ेदार UI है और मुझे सिंपल से बता रहा है कि आपने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रैग एंड ड्रॉप अ फोल्डर विद योर साइट्स HTML CSS एंड JavaScript फाइल्स, वी विल पब्लिश देम लाइव एंड गिव यू अ लिंक टू शेयर इट। सो नहायत ही आसान, आइए ट्राई करते हैं। मैं आता हूँ अपने फोल्डर पे, ये मेरा मेन फोल्डर है, डिजिटल क्लॉक का मेन फोल्डर। इसको मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, ट्रैक करा मैंने यहाँ से और यहाँ पे मैं ड्रॉप करता हूँ। ये कह रहा है अपलोडिंग हो रही है आपकी। ओ वाओ, यहाँ पे मेरा थंबनेल आ गया एप्लीकेशन डिप्लॉय होने के बाद और ये URL इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये लोडिंग हो रही है और ये आपको बता रहे कि आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है। स्टार्ट करें मैंने और ये स्टॉप करता हूँ, ठीक है। ये डिप्लॉयड वर्जन है मेरी एप्लीकेशन का और ये लोकल वर्जन है। आप देख सकते हैं कोई फर्क नहीं है, जो एप्लीकेशन लोकल पे चल रही थी वो इस URL पर डिप्लॉय हो चुकी है। अब ये URL आप किसी को भी दे सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप एनोनिमस यूज़र के तौर पे नेटलिफाई पे कोई डिप्लॉयमेंट करते हैं तो वो जो URL होगा वो सिर्फ और सिर्फ 24 hours के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था कि हमने नेटलिफाई पे एज एन एनोनिमस यूज़र डिप्लॉयमेंट की। अब मैं लॉगिन कर पाता हूँ और लॉगिन करवाने के साथ ही मुझे मुख्तलिफ ऑप्शंस देगा जिसके थ्रू मैं साइन इन कर सकता हूँ। गेटअप से मैं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी मेरी एप्लीकेशंस ऑलरेडी गेटअप के थ्रू मैं जिनको डिप्लॉय कर चुका हूँ, तो ये वो एप्लीकेशंस कुछ आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। मैं सिंपली यहाँ पे उसी URL को हिट करता हूँ, netlify.com/drop, क्योंकि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर को दोबारा इस्तेमाल करना चाहता हूँ यूजिंग माय अकाउंट। अब यहाँ पे देखिएगा मैं सेम वही एप्लीकेशन अपनी डिप्लॉय करता हूँ, आता हूँ यहाँ पे और ये मैंने ट्रैक करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अपलोडिंग स्टार्ट हो गई और यहाँ पे साइट डिप्लॉय हो चुकी है, आता हूँ यहाँ पे हिट करवाता हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी साइट की कुछ सेटिंग्स दिखेंगी। दूसरा, ये आपका जो डोमेन होगा, ये URL होगा, ये 24 hours के बाद एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। साइट की सेटिंग्स पे जाता हूँ मैं, डोमेन मैनेजमेंट, ओके। अब यहाँ पे ये जो डोमेन इसने मुझे बना के दिया, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। एक डमी डोमेन था, मैं साइट का नेम जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। लेट मी चेंज द नेम डिजिटल क्लॉक बाई RJ। सेव करवाता हूँ और ये मेरा URL जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। URL मेरा चेंज हो गया। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास कब अवेलेबल होते हैं, जब आप अपने अकाउंट के साथ कोई डिप्लॉयमेंट करते हो। तो ये आपने देखा कितना आसान तरीका है हमारे पास, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने और आपकी एप्लीकेशन जो होगी कुछ सेकेंड्स में डिप्लॉय हो जाती है। तो इससे पहले जितने भी हमने साइट्स को डिप्लॉय करा तो ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर के थ्रू करा था। एक और ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम गिटहब पे बड़ी किसी रैपर को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो वो किस तरह करें, आइए उसके बारे में देखते हैं। सिंपली मैं अपने डैशबोर्ड के मेन स्क्रीन पे आता हूँ नेटलिफाई पे, यहाँ पे मेरे पास एक बटन है न्यू साइट फाउंडेड, इस पर क्लिक करवाता हूँ।
और यहाँ पर मेरे पास तीन ऑप्शन आते हैं, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को पिक करता हूँ जो कि है गिटहब। तो आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन ऑलरेडी ऑथराइज थी, यानी कि गिटहब का अकाउंट ऑलरेडी मैं ऑथराइज करवा चुका था नेटलिफाई से, तो यहाँ पर मेरे पास ऑथराइज आ रहा है, आपको फर्स्ट टाइम इसको ऑथराइज करवाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रेपोज मुझे डायरेक्टली यहाँ पे दिख रही हैं, अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन है आप सर्च करवा सकते हैं। तो मुझे जो रेपो डिप्लॉय करनी है मैं उसको सर्च करवाता हूँ, डिजिटल क्लॉक RG, ये वो रेपो है जिसको मैं डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ। सेम एप्लीकेशन है जिसको मैंने गिटअप पे डाला है, जो अभी आपको यहाँ पे डिप्लॉय करके हमने दिखाई थी, इसको गिटअप पे रखवा चुका हूँ, उसको मैं डिप्लॉय करने जा रहा हूँ। तो अब ये कह रहे कि आप कन्फिगर करें नेटलिफाई को गिटअप पे, मैं इसको दोबारा कन्फिगर करवा देता हूँ, देखते हैं इस एप्लीकेशन को कन्फिगर करवा दें। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे मुझे वो रेपो सेलेक्ट करनी है जो कि रेपो मैं इसको देना चाहता हूँ, तो यहाँ से सबसे पहले मैं सेलेक्ट करवा लेता हूँ अपनी रेपो को, डिजिटल क्लॉक। तो ये वो रेपो है जिसको मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ, तो इसको ऑथराइज करवाता हूँ, इसको सेलेक्ट करवाता हूँ सबसे पहले, ताकि नेटलिफाई को मेरी इस रेपो का एक्सेस मिल जाए। ठीक है, और मैं सेव करवाता हूँ। ये रेपो आ गई मेरे पास, मैं इस पर क्लिक करवाता हूँ। और ठीक है, डिप्लॉय ब्रांच आपकी कौन सी होगी, मास्टर ब्रांच, तो ये सिलेक्ट भी डिफॉल्ट, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बटन है डिप्लॉय साइड का, इस पर क्लिक करवाता हूँ। तो डिप्लॉयमेंट जो है हमारी वो इन प्रोग्रेस में है, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखें आप कुछ सेकंड में ये डिप्लॉयमेंट हमारी रेडी हो जाएगी। ऑल राइट, तो ये डिप्लॉयमेंट मेरी रेडी हो चुकी है, मैं इस पर क्लिक करवा के एक मरतबा देख लेता हूँ हमारी एप्लीकेशन चलते हुए। तो ये आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है, स्टार्ट पे क्लिक करा, हमारा टाइमर जो है वो चलना स्टार्ट हो गया, डिजिटल क्लॉक हमारी स्टार्ट हो चुकी है। स्टॉप पे क्लिक करवा के दिखाता हूँ, स्टॉप भी हमारी डिजिटल क्लॉक हो चुकी है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होंगे, मैं आके डोमेन को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे अपने डोमेन को चेंज भी कर सकता हूँ। मैं डोमेन मैनेजमेंट पे आता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन पे आता हूँ, एडिट साइट नेम, और यहाँ मेरे पास ऑप्शन में इसको चेंज करवा दूँ डिजिटल क्लॉक। अगर ये डोमेन किसी और को नहीं मिला हुआ तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, देखते हैं। ओके, ऑलरेडी टेकन, मैं सिंपली यहाँ पर RJ और टू। ऑलराइट, तो ये डोमेन अवेलेबल था, ये मुझे मिल चुका है और मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमने ये सारा काम करा। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ बड़ी मजे की, कि गिटहब से अगर आप डिप्लॉयमेंट करते हैं तो एक और आपके पास फैसिलिटी होती है, वो ये होती है कि आपने मास्टर ब्रांच को इससे लिंक करवा दिया। ठीक है, मास्टर ब्रांच को हमने डिप्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करा, तो जब भी मास्टर ब्रांच में कोई चेंज आता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके डिप्लॉयमेंट पे भी होगा, मीन्स के लिए ऑटो डिप्लॉय करेगा आपके इसी URL पे। ठीक है, तो जब भी आप कोई मास्टर में चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे वो डिप्लॉयमेंट को उसका इम्पैक्ट फॉरन कर देगा, यानी कि एक नई डिप्लॉयमेंट चलाएगा और जो अपडेटेड चेंजेस होंगी वो आपको इस URL पे फिर नजर आना शुरू हो जाएंगे। आए 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 मजे आए आए आए। तो ये बड़ा जबरदस्त काम है और आपको ये मजा आ रहा होगा सुनने में, इसको करके भी दिखा देता हूँ मैं। तो आते हैं सबसे पहले हमारी चेंजेस पे, यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको चेंज करवा के कुछ काम दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसको सबसे पहले हम किस तरह मॉडिफाई करते हैं, हम सबसे पहले इसको लोकल पे चला लेते हैं ताकि जो चीज़ हमें चेंज करनी है उसको हम देख सकें। तो आइए अभी सिंपल मैं एक काम भी करवाता हूँ, इसके कलर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको दिखा देता हूँ। हम कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अभी, ये लेट मी चेंज इट टू समथिंग शार्प कलर। ऑलराइट, ठीक है, तो ये वाला कलर हम इस्तेमाल कर लेते हैं भाई, जहाँ जहाँ पे ये पिछला कलर इस्तेमाल हुआ था उसको हम अपडेट करवा देते हैं। इसको सेव करा मैंने और अपनी मेन फाइल को दोबारा से रीरन करता हूँ। आप देख सकते हैं कलर हमने अपडेट कर दिया है, आइए इसको दोबारा से हम कमिट करके पुश करते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरी डायरेक्टरी में पुश हो गया काम, और देन मैं आता हूँ यहाँ पे गेटअप पे, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो
यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक और कमिट आना चाहिए। ठीक है भाई, ये लास्ट कमिट हमारा था। अब मैं इसकी डिप्लॉयमेंट पाता हूँ। हमारी एप्लीकेशन कौन सी थी भैया? ये वाली थी, और इसको मैं देख लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। ये भाई कोई अपडेट आई है इस पर? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्रेश मैंने करवाया इसको, तो रिफ्रेश करवाने पे मुझे बता रहा है कि आपकी इस रेपो पे एक मिनट पहले अपडेट आया। ये आप देख सकते हैं, तो एक मिनट पहले अपडेट आया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ये पुराना वर्जन दिखा रहा है मुझे, मैं इसको रिफ्रेश करवा के देखता हूँ। तो इस पर लेटेस्ट अपडेट आनी चाहिए मेरे पास, यानी कि इसका जो कलर है वो ऑरेंज हो जाना चाहिए। देखते हैं, रिफ्रेश करवाया मैंने और वाओ। ओह माय गॉड, वाओ। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।